समाज में हम लोग के बहुत लोग गलत नियत से देखते हैं, फालतू फालतू हम लोग रास्ते में चलते रहते हैं, कोई कहता है छक्का है, हिजरा है, गलत गलत कमेंट करता है, ये हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा। कभी प्रोग्राम भी करने जाते हैं तो लोग बहुत रंग के बात बोलता है, ऐसे वैसे गंदे गंदे बात बोलता है, इधर चलो उधर चलो, इतने पैसे लो, बहुत रंग के बात बोलता है, ये सबसे हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, ये नहीं लगता है। लेकिन आप लोगों को घर वाले एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं? घर वाले लोग सबका वैसा नहीं होता है, पाँच उंगली बराबर नहीं, किसी किसी का एक्सेप्ट करता है, किसी किसी का नहीं करता है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन आपका घर वाले एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते? मेरे घर वाले नहीं एक्सेप्ट करते हैं। आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत पढ़े हाँ। लिखे। लेकिन आप देख सकते हैं इन लोगों को घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो आप ही लोगों के समाज से आते हैं और वो लोग कहीं डीएसपी के पद पे कहीं पढ़ लिख कर अच्छा करना चाहते थे और अच्छा किए भी हैं, सांसद में भी है, लेकिन आप लोगों के मन में कैसा ख्याल आया कि घर से निकल गया तो हम लोग बाहर ही रहेंगे, हम लोग अपने समाज में क्यों नहीं जी सकते हैं, पढ़ाई लिखाई करके अच्छा बनते कि आपको घर वाले काबिलियत तारीफ मानते हैं? क्या है समाज में तो वही होता है ना, गाँव समाज में तो वही बोलता है ये लोग किन्नर है, घर से बाहर निकालो, ये करो करो, तो क्यों समाज में तो वही बात हम लोग को बोलता है कि हिजरे पैदा तुम्हारे पैदा लिया है, इसको गांव से निकालो बाहर निकालो, कोई बेटा तो हम लोग वहाँ लड़की बना के भेजता तो हम लोग घर पे नहीं रहते, पढ़ने भी जाते थे बच्चे में तो सब लोग ऐसे ऐसे बोलता था, इसलिए हम लोग छा के नहीं जाते थे, लगता बहुत ये सब सुनते सुनते इसलिए हम लोग छोड़ देते, समाज से दूर हो जाते धीरे धीरे, समाज से दूर हो जाते हैं ये लोग। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, इन लोगों को समाज का अंग मानते हैं और समाज का अंग है भी। आप लोगों की संख्या बिहार में कितना होगा तो ये मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। हाँ। अच्छा, जो भी लोग देख रहे हैं, जो गलत कमेंट करते हैं, भद्दी भद्दी बातें बोलते हैं, इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए था, और इन लोग एक समाज का अंग है, इन लोगों का जीने और रहने का भी अधिकार है। अच्छा, कोई गलत कमेंट करता है तो उस समय कैसा फील होता है? कैसा फील होगा वो तो हमें लोग जानते, बहुत बुरा लगता है ना, ये तो अपने दिल की बात किससे बोले, कोई नहीं समझ पाएगा ना। अच्छा, किन्नर समाज के लोग होते हैं, वो लोग कहीं कहीं से बच्चा भी ले लेते हैं और पालते भी है, जो वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले देखने को मिला था। हाँ, तो सब लोग अपने लाइफ बुढ़ेपा के लिए अपने सबका शौक होता है किसी किसी की मैं बच्चा पालू तो ले। आप लोगों को मिलेगा तो रखिएगा बच्चे को, क्यों नहीं रखेंगे, हम लोग तो कब से खोज रहे हैं बच्चा, खोज रहे हैं, हम तो ढूंढ भी रहे हैं कितना दिन से, बहुत जगह ये बात बोले कि हमको मिलेगा लड़का या लड़की जो भी हम रखेंगे। अच्छा, जो अनाथ बच्चे हैं जिसके माता पिता नहीं है, उन लोगों को बनिया से आप लोग पाल पोस कर सकते हैं? बहुत अच्छा से उसका देखभाल कर सकते हैं हम लोग, मेरे समाज में बहुत लोग देखभाल भी करते हैं, सब लोग मेरे गुरु लोग हैं, शादी विवाह भी कराई है कितने गरीब लोग को, ऐसे भी हम लोग बहुत ज्यादा दान पुण्य मंदिर मस्जिद गरीब का शादी विवाह हो तो उसमें शामिल भी होते हैं, हम लोग हेल्प करते हैं। तो आप देख सकते हैं इन लोगों की जो पैसे लेते हैं इन लोग समाज में, तो ये लोग समाज में खर्चा कर देते हैं और उस खर्चे को करने के लिए ये लोग काम करते हैं, यानी समाज के बनाने का ये लोग काम करते हैं, बिगाड़ने का नहीं। इन लोगों को जो लोग गलत कमेंट करते हैं वह नहीं कसना चाहिए और नहीं करना चाहिए। क्या करेंगे हम लोग समाज को बिगाड़ के, आखिर जिससे हमें का दो बैठ गए हैं जो। अच्छा। हाँ, उस मीटिंग में, पटना वाला मीटिंग में क्या, तो देख सकते हैं इन लोगों का रहने खाने का भी यहाँ पे व्यवस्था है, ये लोग अपना रहते हैं वहाँ बना कर रहते हैं, यह नहीं कि इन लोगों कहीं गांव में। आप लोग बधाई भी गाते हैं क्या? हाँ, मेरी गुरु लोग बधाई में जाती हैं, हम भी लोग कभी कभी जाते हैं, ऐसे तो हम प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, गुरु का नाम नहीं लिया जाता क्या, आप लोग नाम लेते हैं? नहीं, गुरु बड़े हैं ना तो नाम नहीं लिया जाता ना, नहीं लिया जाता है, जैसे बोलते हैं कि ना पति का नाम नहीं लिया जाता है वैसे हम लोग गुरु का नाम नहीं लेते हैं, गुरु ही पति होता है, हम लोग सिंदूर लगाते हैं अपने गुरु के, भी करते हैं तो लड़की लोग तो सिंदूर पति के नाम से करते हैं। अच्छा, ये चौंकाने वाला खबर है कि आप लोग सिंदूर भी लगाती है? हाँ, लगाते हैं ना हम लोग अपने गुरु के नाम से सिंदूर लगाते हैं हम लोग। क्या ये आप लोगों की समाज का ऐसा परंपरा है? हम लोग का समाज का परंपरा, हम लोग जाते हैं रास्ता पे तो बोलता है कि तुम लोग शादी करती हो क्या, लड़के लोग सिंदूर लगाते हैं, हम लोग नहीं लगा, शादी नहीं करते, हम लोग गुरु के नाम सिंदूर लगाते हैं। बहुत ऐसे इंसान क्वेश्चन हम लोग से करते रहता है कि तुम लोग शादी करते हो, देखते हैं हम लोग नहीं, हम लोग शादी नहीं, हम लोग गुरु से शादी होता है। अच्छा, देख सकते हैं इनके माथे पे सिंदूर लगा हुआ है, लोग गुरु के नाम से ही सिंदूर करते हैं। इन लोगों का कोई एक बंधन होगा, जिस तरह से लोग शपथ ग्रहण करते हैं कहीं उस तरह का इन लोगों का आप लोगों का शपथ भी होता है? हाँ, होता है, जैसे बोला पति से शादी करता है तो उस पर ही रहना पड़ता है ना, क्योंकि उससे कहीं जा नहीं सकते, हम लोग भी जैसे गुरु से अगर हम लोग चेला बन गए हैं उनकी, तो इन लोग हम लोग गुरु के पास ही रहते हैं, कभी हम लोग अलग नहीं हो सकते उनसे, उन्हीं के नाम से सिंदूर भी रहता है, उन्हीं के नाम से हर चीज रहता है।
जैसे समाज में लोग पति को मानते हैं उस तरह से ही लोग अपने गुरु को मानते हैं और उन्हीं के इसी तरह का आप लोगों का जीवन यापन हो जाएगा। अरे हम लोग आगे कैसे चलेगा, अब आगे हम लोग क्या करें, हम लोग समझ ही नहीं आ रहे, जैसे जी रहे हो क्या करें, हम लोग जी रहे वैसे कट रहा। लेकिन हम लोग को यही कहना है ना सभी लोग से कि जैसे सब लोग जी रहे वैसे हम लोग के भी अपने समाज में हक दे और जिए, हम लोग ऐसे जिए। जरूर, तो आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इन लोगों का भी जीने का अधिकार है और हक है, तो जीने का अधिकार भी दीजिए और हक भी दीजिए। फिलहाल इतना ही दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में अगले खबर के साथ, धन्यवाद।